हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज आरुष बोला और आज की वीडियो में कुछ एक गुड न्यूज देने वाला हूँ आपको। अगर आपने मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर रखा है, नहीं कर रखा तो कर दो। अगर कर रखा है तो मैंने एक स्टोरी डाली थी कि आपको गुड न्यूज दूंगा और कहा था कि आप गेस करो, जिसने सही गेस करा उसे मिलेगा शाउट आउट। तो कोई कह रहा है आप कॉम्पिटिशन लड़ने वाले हो, कोई कह रहा है आपकी वर्च आने वाली है, कोई कह रहा गाड़ी लेने वाले हो, कोई कह रहा जॉब लग गई। तो किसी ने सही गेस नहीं करा, कोई कह रहा बढ़िया सा ब्रांड कोलैब करने वाले हो आप, या बढ़िया कोई किसी बंदे के साथ कोलैब करने वाले हो, बट सब ने अपना दिमाग लगाया, किसी ने सही गेस नहीं करा। तो सही गेस अभी तक तो करा नहीं। अगर मेरे को वीडियो बनाते बनाते किसी का मैसेज आ गया तो उसे शाउट आउट दूंगा और पूरी वीडियो देखो, आपको पता लग जाएगा आज क्या होने वाला है। अभी 11:30 हो रहे हैं, आधे घंटे पहले मैं उठा था, आधे एक घंटे पहले कॉफ़ी वगैरह पी बैठा हूँ। अब पहली मील खाऊंगा और आज जिम जल्दी जाएंगे क्योंकि आज है दोस्त का बर्थडे, तो दोपहर को ही जिम निपटा के शाम में फ्री रहना है। पहली मील अपनी खाऊंगा वो है ओट मील, वो खा के फिर आपसे बात। भाई पहली मील तो लेने स्टार्ट कर दी है ओट मील। अगर इसकी पूरी रेसिपी की वीडियो चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके देख लो। और अगर इन शॉर्ट समझा दूँ, 100 ग्राम ओट्स लो, भिगो दो, फिर हटा दो पानी, उसमें 1 स्कूप प्रोटीन, थोड़ा पीनट बटर हिला के फ्रीजर में रख दो, ऊपर से जो ड्राई फ्रूट्स डालने हैं डाल के खा लो। ठीक है भाई, जिम चलते हैं, वेट कर रहे हैं वहाँ पे दोस्त, तो जिम जाते हैं, स्कूटी में पहुँच जाऊँगा ये रहा, फिर बात करते हैं आपसे। वैसे एक चीज़ देख ली, स्कूटी की कोई इज्जत नहीं है मार्केट में। इसकी दूसरी सर्विस होने वाली है और अभी तक मैंने पहली भी नहीं करवाई, ना नंबर प्लेट लगवाई है। यही अगर गाड़ी होती सर्विस के 2-4 दिन पहले तुम्हारा भाई फ़ोन कर देता सर्विस सेंटर, सर कर दो सर्विस, सर कर दो, बट इसकी कोई इज्जत ही नहीं। तो भाई मैं आ चुका हूँ जिम के बाहर, साथ में इसको बुलाया हुआ था मैंने, ये केक लेके आया भाई। हाँ भाई लाया सही है। नहीं नहीं तू बोला तूने लाने को, साले केक नहीं काटेंगे उसका, तू बोले तो बर्थडे है वैभव का, वो भी आ रहा है अभी, उससे बात हुई है, मैंने प्री पी रखा है, खुजली सी हो रही है। चल पहले केक कटेगा फिर वर्कआउट होगा। अब केक बाद में काटेंगे भाई, ताकि डाइट को मिले। अबे अभी कटेगा भाई, देखो कैसे करता जिम, जिम काम काज वाले आदमी है, काम करते हैं, जानते हो ना, हम भी पैसा कमा रहे हैं भाई आजकल। तो भाई आज हैवी नहीं कर रहे बिल्कुल, हैंड्स बिल्कुल सो रहे हैं, तो हैवी करो तो थोड़ा हैंड्स भी इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए खाली मशीन और पुलअप कर रहा हूँ। तो लो वॉल्यूम, मूवमेंट पे ध्यान। वर्कआउट हो चुका है, ढंग से वर्कआउट नहीं हुआ आज, बट स्टिल अ गुड वर्कआउट। तो भाई का बर्थडे था और केक वेक काट लिया, आपने वीडियोस देख ली होंगी। अब जो बड़ी चीज आज होने वाली है वो अभी तक रिवील नहीं हुई है, जब होगी मैं आपको बता दूंगा। अभी होगी, वैसे थंबनेल से ही समझ जाएंगे। नहीं अब लिखूंगा नहीं ना थंबनेल। अब मैंने क्या सोचा था, अब मैं ऐसे करूंगा, क्या हिंट दे रहा था बड़ी चीज का, तू बैन क्या बोलूं तेरे को, कुछ खाने जा रहे हैं तो आपको दिखाते हैं क्या खा रहे हैं। अभी और माल आ रहा है, आपको सब दिखाएंगे, किस्मत हो तो ऐसी पनीर ही पनीर।
देखो केक ना, केक खाने के साथ अच्छी रिलेशनशिप बनाओ, हफ्ते में एक दो बार जो मन करता है एंजॉय करा करो, और जो हम रोज खाने वो कोई नहीं भाई चलता है। भाई ये अपनी लास्ट मील है, ये एक है चिकन भर रखा है भाई चिकन। तो भाई खा पी चुके हैं, दबा के पेट फुल हो चुका है, अब मैं जा रहा हूँ अपनी स्कूटी, मेरी जिम के बाहर खड़ी है, भाई छोड़ रहा है मेरे को वहाँ पे, और फिर घर जाके देखते हैं कि जो काम था वो हुआ या नहीं, आपसे शेयर करता हूँ। तो स्टे ट्यून्ड, अब जाऊँगा घर और ये अपने घर जा रहे हैं। कैसा लगा भाई चीट मिल करके? चीट मील के बारे में क्या कहना चाहेगा ऑडियंस को? आई एम एन एथलीट यार, आई हैव टू सैक्रिफाइस। तू क्या कहना चाहेगा इसको छोड़िए चीट मील के बारे में? बहुत जरूरी चीज है, खानी चाहिए। क्या होता है उससे? उससे भाई ये होता है कि मूड बढ़िया बन जाता है, मूड स्विंग्स नहीं होते पीरियड्स वाले दिन। भाई मूड स्विंग्स क्या कहना चाहेगा? अगर खुश होता है यार, अगर बढ़िया खाना खाओगे तो मूड खुश हो जाता है, पर भाई अनहेल्दी भी है, शरीर भी खराब होता है, उसके लिए क्या कहना चाहेगा? पर भाई थोड़ा थोड़ा चलता है। देखो भाई मैं क्या कहूँगा, अगर आपका बिल्कुल कोई स्ट्रिक्ट गोल है कि हाँ भाई ये करना ही करना है तो रहन दो, बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म में लेके चल रहे हो कि ये फ्लेक्सिबल डाइटिंग, फिर आपके लिए बहुत बढ़िया। क्यों भाई फ्रेंड्स है यार, अब जैसे इसका 20 दिन बाद कंपटीशन है कोई, और ये अब ऐसे खाता पीता फिरेगा तो नहीं खाएगा ये, अब अपना कोई कंपटीशन नहीं, हमने डेली जिम करना है तो कभी कभी ये सब चलता है। तो भाई नहा धो के जिम से आके तैयार होके बैठ चुका हूँ, मतलब फ्रेश हो गए बिल्कुल, और पोस्ट वर्कआउट मील नहीं ले रहा मैं अभी, क्योंकि आप देख चुके हो क्या क्या खाया है, थोड़ा पेट भर रखा है बिल्कुल, प्रोटीन शेक पी लूँगा थोड़ी देर में। और जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये किस लिए बना रहा हूँ, क्योंकि अब मैंने सोचा है जो सरप्राइज़ है, अगर मैंने थंबनेल और टाइटल में वो रख दिया तो आपको वीडियो की स्टार्टिंग में पता लग जाएगा कि क्या सरप्राइज़ है, इसलिए मैंने क्या दिमाग लगाया मैं अब क्या करूँगा वो चीज़ आपको एंड में दिखा दूँगा वीडियो की, इसके बाद दिखाता हूँ एंड में दिखा के अगली वीडियोस के ऊपर पूरी बनाऊंगी क्या है, मतलब क्या मतलब जो भी है डिटेल में अगली वीडियो उस चीज़ के ऊपर बनाऊंगा, अभी आपको एंड में बस वो चीज़ दिखा देता हूँ, वो चीज़ बता देता हूँ जो भी है, तो जुड़े रहो। थैंक यू भैया, पानी वानी पियोगे भैया? तो भाइयों अमेजन से एक चीज़ मंगाई थी, अब क्या है वो तो आप समझ गए होगे, अगर अभी भी नहीं समझे तो दो चार सेकंड और रुको, खोल के अच्छे से अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। ये रहा, क्या है इसके अंदर? अब ये है वो चीज, खोलते इसको, ये तो अंदर भी रखता है इसके। ये है कैमरा, रुको ऊपर खोल के एक बार दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। तो भाई ये है बैटरी कैमरे की, ये है स्टैंड ट्राइपॉड, तो वैसे भी आता 4-5 हज़ार का आता बढ़िया सा, बट इसके साथ ही मिल रहा था ये 10 हज़ार का पड़ा मेरे को स्टैंड, तो मैंने कहा ले लो अब एक बार ले रहे तो ढंग से चीज़। और ये रहा कैमरा, तो वैस वीडियो यहीं पे बंद, अब अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा कैमरा कैसा है क्या है सब कुछ, आज की वीडियो यहीं पे, तो मिलते अगली वीडियो में। कितनी मिट्टी थी यस।